हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको वाइट बोर्ड के ऊपर एक बर्ड बनाना सिखा रहा हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले ये पिक्चर मधुबनी आर्ट करके एक फेसबुक पेज है उसमें से मैंने देखा था और उसे मैंने सेव कर दिया था। तो आज उसी पक्षी का पिक्चर मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ये मधुबनी आर्ट का जो पक्षी है वो मैं वाइट बोर्ड के ऊपर कलरिंग मार्करों का इस्तेमाल करके ड्राइंग करने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप पक्षी का ड्राइंग तैयार करते हैं वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो मेरे साथ पूरा ये वीडियो ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं ब्लैक कलर की मार्कर का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक के बाद एक लाइन ड्राइंग कर रहा हूँ, और लाइन ड्राइंग करने के लिए मैं कौन कौन से शेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ बारी बारी वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो बर्ड मैंने तैयार किया है उसको मैं पहले फर्स्ट लाइन ड्राइंग किया, अब उसी लाइन को मैं डबल लाइन कर रहा हूँ और उसके अंदर डिज़ाइन क्रिएट करूँगा। तो किस तरह से डबल लाइन क्रिएट करते हैं वो आप लोग इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। तो वीडियो के अंदर छोटी छोटी जो बारीकाई है वो हमें यहाँ पे देखना है, और इसी तरह के ड्राइंग हम लोग घर पे तैयार कर सकते हैं, क्लासरूम में तैयार कर सकते हैं और अपने ड्राइंग बुक में भी तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये आर्ट इजी भी रहता है और स्केच पेन की मदद से या सिंपल कलर से भी आप ये ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। कई बार बच्चों के नोटबुक के अंदर ऐसे ड्राइंग पाए जाते हैं, वो लोग अपनी क्रिएटिविटी नोटबुक में बॉल पेनों के द्वारा या पेंसिलों के द्वारा दिखाते हैं कई बार। तो ऐसे आर्ट दिखाने के लिए हम लोग ड्राइंग बुक के अंदर अच्छे पक्षियों का ड्राइंग तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे मैं एकदम सिंपल तरीके से एकदम इजी बर्ड किस तरह से तैयार किया है वो आप लोग देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से जितना मुझे डिज़ाइन तैयार करना था वो मैं यहाँ पे बारी बारी तैयार कर चुका हूँ। कई बार हम स्केल की मदद से भी बहुत सारे लाइन डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, और ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके भी हम बहुत अच्छे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास वाइट बोर्ड है और साथ में 180 रुपये का मैंने अभी मार्कर का पूरा सेट खरीदा है, तो उस मार्कर का इस्तेमाल करके मैं ये पूरा ड्राइंग तैयार कर रहा हूँ। मुझे ये मधुबनी आर्ट काफ़ी पसंद है, उनका जो तरीका है वो भी काफ़ी पसंद है। मेरे आने वाले वीडियो में मधुबनी आर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसी तरह से बारी बारी वीडियो बनाने वाला हूँ, और ये वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, बस वाइट बोर्ड को सेट करो और मार्कर पेन से जैसा आपको दिख रहा है वैसा आपको ड्राइंग करना है। तो यहाँ पर मुझे जिस तरह से दिख रहा था मैंने बिल्कुल उसी तरीके से ड्राइंग तैयार कर दिया है। अब जहाँ पे हमने डबल लाइन क्रिएट की थी वहाँ मैं कैलीग्राफी करके पूरी डिज़ाइन को पूरा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जितनी आउटलाइन हमने ली है वहाँ पे सिर्फ मैं हल्की हल्की लाइन तैयार कर रहा हूँ, वो भी छोटी छोटी। तो इस तरह से मधुपुरम आर्ट तैयार होता है कैलीग्राफी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके। बच्चों, अगर आपको ड्राइंग सीखना है तो हमेशा कैलीग्राफी का प्रयोग करते रहिए, क्योंकि कैलीग्राफी जितनी आपकी अच्छी रहेगी उतनी ड्राइंग अच्छी होगी, उतने आपके राइटिंग अच्छे होंगे और काफ़ी सुंदर राइटिंग निकलेंगे। तो हमेशा कैलीग्राफी स्ट्रक्चर ड्राइंग तैयार करते रहिए और अपने राइटिंग को, अपने मसल को हमेशा एक्सरसाइज करते रहिए। तो इसी तरह से हम राइटिंग भी सुधार सकते हैं और इसी तरह से हमारे इजी ड्राइंग तैयार हो सकते। तो मैंने यहाँ पे पूरा ड्राइंग तैयार कर दिया है। अब मैं कलरिंग स्केच पेन का इस्तेमाल करके
यहाँ पे मैंने स्केच पेन शब्द बोला है, लेकिन यहाँ पे मार्कर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। मैंने कलरिंग मार्कर का इस्तेमाल करके पहले ब्लैक कलर की मार्कर इस्तेमाल किया आउटलाइन के लिए, अब रेड कलर की मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे ही मैं अलग अलग मार्करों का इस्तेमाल करके ये पूरा ड्राइंग में बारी बारी पूरा करूँगा। अब मैंने ग्रीन कलर की मार्कर का इस्तेमाल करके जो फूल नीचे बनाया है उसकी पट्टी को मैं तैयार करूँगा। मैं यहाँ पे कलर पूरा फिल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कैलीग्राफी करके ही उसमें कलर क्रिएट कर रहा हूँ। मार्कर को जितना हल्के हाथों से यूज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा लंबा चलेगा, अगर उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा वजन डालेंगे या उसे खुला रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी आप मार्कर ड्राइंग इस्तेमाल करते हैं, मार्कर प्रयोग करते हैं, तो उसे अच्छी तरह से पैक करें और दूसरा पंखे से उसे दूर रखें, और हो सके तो उसका काम ख़त्म हो जाए तो उसे कहीं अलमारी में या कहीं छुपा दे, जिससे उसके ऊपर हवा ना लगे और मार्कर ख़राब ना हो। अगर फिर भी अगर मार्कर ख़राब होता है तो उसे रिपेयर करने के लिए भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मार्कर के ओपन कर ले पूरा, और आपके घर में जो भी बॉडी स्प्रे हो बस उसका स्प्रे चला दे, और 5-10 सेकंड में या 1-2 मिनट में उसे ऐसे ही छोड़ दे, बाद में वापस मार्कर चालू हो जाता है। पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें या कोई दूसरा प्रयोग ना करें, सिर्फ बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल करके आप अपने मार्कर को वापस रिपेयर कर सकते हैं और पहले जैसा चलने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, मार्कर जितना हल्के हाथों से इस्तेमाल होगा बहुत लंबा चलेगा, और साथ में मार्कर को अच्छी जगह पे छुपा के रखना चाहिए। दूसरा मैं अगर बताऊं तो हमारा डस्टर बार बार मार्कर साफ करने से ख़राब हो जाता है, तो डस्टर को भी हमें साफ रखना है। तो सिर्फ मार्कर का डस्टर अलग रहे और चौक का डस्टर अलग रहे, उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे धीरे धीरे मधुपुरी बड़ी आर्ट मेरा पूरा हो चुका है, और यहाँ पे मैं बारी बारी कैलीग्राफी करके पूरा ड्राइंग तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा ड्राइंग तैयार करना हो तो इस तरह से हल्के फुल्के ड्राइंग भी हम मार्कर पेन से तैयार कर सकते हैं। बच्चे चाहे तो अपने ड्राइंग बुक के अंदर स्केच पेन की मदद से भी ये ड्राइंग पूरा कर सकते हैं, और बहुत सुंदर ऐसे पक्षियों के, एनिमल्स के ड्राइंग हम लोग घर बैठे बैठे तैयार कर सकते हैं। तो चलो, मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए मैं सबसे पहले सभी को धन्यवाद करूंगा, और जाते जाते एक चीज़ ज़रूर बोलूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिया है उस पर जाइए और रेड कलर का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी चैनल सब्सक्राइब हो जाएगी, और साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आप लोग हमेशा वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए, और हमारी मेहनत को थोड़ा देखिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं अपने चैनल पर बना चुका हूँ, तो मेरे पुराने वीडियो को भी इंजॉय करिए और ये वीडियो को भी इंजॉय करिए। किस तरह से हम बर्ड्स ड्राइंग तैयार कर सकते वो इस वीडियो के अंदर मैंने सिखा दिया है। आप भी घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें और अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। दोस्तों, चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय नर्मदा।